नमस्कार, मैं संजना। मेरे चैनल घर की अंगेठी में आपका स्वागत है। आज हम मटर की दाल बनाएंगे। ये यूपी का डिश है, इसे निमोना कहते हैं यूपी में। तो सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं, हमें दाल बनाने में किन किन सामानों की ज़रूरत है। ये मैंने मटर लिया है, 2.5 कप मटर है। इस कप से मैंने मेजर किया है, ये 200 ग्राम का कप है। इससे मैंने 2.5 कप मटर लिया है। और ये 2 मीडियम साइज के आलू हैं, इसको मैंने छिलके धो के काट लिए हैं छोटे पीसीस में। और 1 पिंच इसमें हींग लगेगा, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। ये आम का खटाई है, 2 पीस मैंने लिया हुआ है, इसके जगह आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून जी धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा है, और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1/2 टीस्पून इसमें तीखी लाल मिर्ची है। तो सबसे पहले मैं मटर को पीस लूँगी। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, आप जैसे इसको पीसना चाहें वैसे पीस सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको मिक्सी में बारीक पीस लेती हूँ, और छौंकने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैंने मटर को पीस लिया है मिक्सी में। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको, मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। अब मैं बाकी जो मसाले हैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्ची, लाल मिर्च और कश्मीरी दोनों मिर्च इकट्ठा करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के मैं इसे घोल लेती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हम इसे तेल में डालेंगे तो मसाला हमारा जल जाएगा। अगर पानी में घोल के डालेंगे तो मसाला जलेगा नहीं। देखिए, मैंने इसको पानी में घोल लिया है। अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई ले लिया और ये गरम भी हो गया, कढ़ाई गरम कर लिया है। मैं तेल डालती हूँ, 1.5 टेबल स्पून लगभग मैंने तेल डाला है इसमें। सरसों का तेल है ये, तेल थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो मैं इसमें जीरा और हींग पाउडर डालूँगी, फिर मसाले डालूँगी। देखिए, तेल गरम हो गया, मैं जीरा डाल रही हूँ इसमें और हींग पाउडर भी डाल दे रही हूँ। जीरा ब्राउन हो गया, गैस कम कर लेते हैं, नहीं तेल ऊपर आएगा छटक के। मैं तो मसाला डाल देती हूँ। देखिए, मैं मसाला भून रही हूँ। मैं मसाला में तेल में डाल के 1-2 मिनट भूनना है, फिर हम मटर डालेंगे इसमें। देखिए, मसाला तेज फूल रहा है, अब मैं इसमें मटर डाल दूँ, नहीं तो जल जाएगा। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो मसाला फिर जल जाएगा। तो मटर डाल के इसको 2-3 मिनट और भूनना है मटर को इसमें। दो तीन मिनट में इसको भूनूंगी, फिर इसमें पानी डालूंगी। देखिए, मटर मैंने 1 मिनट भून लिया है। मैं इसमें आलू भी डाल देती हूँ। आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं उसे। ये देखिए, मटर और आलू थोड़ा भुन गए हैं, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैंने पानी थोड़ा सा हल्का गर्म कर लिया है, इसमें डाल दें पानी। आप अपने हिसाब से पानी डालिए इसमें, आपको जितना पतला गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से पानी डालिए। और इसको तब तक पकाना जब तक ये आलू गल ना जाए। इसे जो लहसुन प्याज नहीं खाता वो भी खा सकता है, इसमें लहसुन प्याज नहीं डला हुआ। मैंने खटाई भी डाल दिया है, आपको मैंने पहले भी बताया कि जो आप उसके खटाई की जगह आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। मैं नमक भी डाल देती हूँ, नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है इसमें, आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा।
मैं इसे ढक देती हूँ मीडियम आंच करके, ज़्यादा तेज नहीं करना, नहीं तो ये उबल जाएगा सारा, बाहर गिर जाएगा। तो हमें धीमी आंच पे ही रख के पहले पकाना है। मैं इसे ढक रही हूँ। ये देखिए दाल पकने लगी है, और इसे अगर आप ढकेंगे तो बहुत ही ध्यान से ढकना है, ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी ये उबल जाता है, उबल के बहने लग जाता है। देखिए निमोना लगभग तैयार होने वाला है, इसे 10 मिनट हुआ पकाते हुए, और मैं इसे 4-5 मिनट और पकाऊंगी, 4-5 मिनट में तैयार हो जाएगा निमोना। ये देखिए निमोना बनके तैयार हो गया है। इसको पकाने के लिए हमें 15 से 20 मिनट लगा है। आलू गल गए हैं, मैंने चेक कर लिया, आलू देखिए आलू गल चुके हैं। अब मैं इसे गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डाल देती हूँ, और बहुत अच्छा बना है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपके घर में मटर कोई पड़े हुए यूज नहीं हो रहा है तो आप उस मटर को पीस के ऐसे निमोना बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।